यहाँ पर आप राणा कपल हों या सोमैया जी हों, आप कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत अरेस्ट होते हैं, उससे पहले आपको सुरक्षा दी जाती है, आप आगे बढ़कर ऐसे ज़बरदस्त शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि एक बहुत बड़ा एक वातावरण बने, गर्म वातावरण, आपसी वैमनस्य का वातावरण, उसके बाद आपको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अरेस्ट होते हैं, सब कागजात मिलते हैं और आपके सब अधिकार क्षेत्र कानून के अंतर्गत खुले हैं, और फिर भी आरोप लगाए जा रहे हैं जैसे कि चूंकि आप बीजेपी से समर्थित हैं या बीजेपी के निकट हैं तो इसलिए कानून का हाथ आपके दरवाजे पर रुक जाना चाहिए। और ठीक विपरीत इसके उसी के प्रदेश के पास वाले प्रदेश में एक बीजेपी प्रशासित प्रदेश के लोग जैसे कोई हवाई जहाज से पैराशूट से आते हैं और उठा के ले जाते हैं व्यक्ति को सात समुंदर पार, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, एक ट्वीट या कमेंट, यहाँ तो एक नाच हुआ था राणा द्वारा। मैं समझता हूँ कि जो आस्था है संविधान में, कानून में और लोकतंत्र में, महाराष्ट्र की इस सरकार और असम की सरकार में इससे बड़ा कॉन्ट्रास्ट नहीं हो सकता।